वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप्स आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज आप लोग से जो वीडियो लेके आई हूँ, ये मेरा सफ़ायर का ड्रेस है, कैंब्रिक का ड्रेस है। मैंने सफ़ायर की जब सेल लगी थी रिसेंटली, तो फिर मैं उसमें से मंगवाया था ड्रेस। ये कैम्ब्रिक का ड्रेस है, बहुत खूबसूरत है। तो ये विंटर्स में भी चलता है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग साथ ज़रूर शेयर करूँ, और स्टिच होके भी आ गए। अनस्टिच में शेयर नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट सिलवाना था मुझे, तो फिर मैं इसलिए आपको स्टिच ही मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसकी डिटेलिंग की तरफ चलते हैं, कितने का मिला है, क्या इसके ऊपर कॉस्ट आई है। मुझे पूरा सूट जो मेरा बना है वो 5000 रुपीज़ का बना है, और विदाउट दुपट्टा 5000 रुपीज़ बना है, ठीक है। अगर आप दुपट्टे को इसको शामिल करें तो इसको आप दुपट्टा नहीं, विदाउट शलवार, अगर इसकी शलवार शामिल करें तो ये मुझे 6000 रुपीज़ का मिला है। किस तरह 6000 रुपीज़ का मिला है, एक चीज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को, डिटेल विद डिटेल वीडियो बताती हूँ। तो ये 6000 रुपीज़ का इसलिए बड़ा क्योंकि सबसे पहले जो मैंने इसके ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ, ये लेस लगवाई है मैंने, ये देखें मैंने लेस लगवाई है इधर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना जिसने इसका लेना है स्क्रीनशॉट। ये मैंने लेस लगवाई है, और ये मैंने लेस ली जो कि 7 गज ली, बाजुओं पे भी लगी, डबल लगी है बाजुओं पे भी, और घेर पे भी लगी आगे पीछे के। तो घेर और बाजुओं पे मैंने ली 7 गज, और गले की मैंने और 2 गज ली, मतलब कि तकरीबन 9 या 10 गज मुझे लेस लेनी पड़ी इसकी। और ये थी 30 रुपये गज लेस थी, और आप इसका हिसाब लगा लें कितने रुपये की मिली। ये देखिए मैंने इधर भी लेस लगवाई है और ऊपर भी इधर लेस लगवाई की, फिनिशिंग अच्छी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ गले की तरफ। गले पे यही वाली मैंने पट्टी लगवाई है, यही वाली, ठीक है। अब गले की जो पट्टी है, गले की पट्टी के भी लिए भी फिनिशिंग करने के लिए मैंने इधर लेस लगवाई है, ठीक है। पूरे वी गला बनवाया ना, इधर देखें लेस लगवाई, सारी जगह मैंने लेस लगवाई है। ये देखें स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जिसने लेना है, तो मैंने लेस लगवाई है इधर भी। दूसरा बाजू भी सेम इसी तरह ही है, और दामन पे भी मैंने इधर लेस लगवाई है। ये देखें स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जिसने लेना है, भी मैंने लेस लगवाई है। तो आगे पीछे के दामन पे देखें, यहाँ पे भी, नीचे भी, यहाँ पे भी लगवाई है मैंने लेस यहाँ पे। अब इसके दुपट्टे की तरफ चलते हैं। अब इसका दुपट्टा हम निकाल लेते हैं, दुपट्टा भी निकाल लिया। दुपट्टे में सिर्फ मैंने सिलाई अपने टेलर से करवाई है, सिलाई मुड़वा के। ये देखें पीको नहीं करवाई इसकी क्योंकि लॉन दुपट्टा था, लॉन कह रही हूँ, कैम्ब्रिक दुपट्टा था, तो इस तरह से ये देखें, इसलिए मैंने सिलाई मुड़वाई है इसकी। बस शलवार भी सिंपल रखी है क्योंकि कमीज से मैंने लेस लगवा ली थी, तो इस तरह से। अब मैं आप लोगों को इसके साथ दिखाती हूँ कि किस तरह आप इसे वेयर कर सकते हैं, किस तरह आप इसे करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ आप लोगों को बैग कन्फ्यूजन हो रही है कि बैग कौन सा लें हम लोग, तो फिर आप लोग बैग आप लोगों को लेना चाहिए। अगर आपको किसी को बैग के हवाले से कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप लोग बैग इसका ही बेस कलर का ही लें, क्योंकि आपका सब कुछ बेस कलर का है, आपकी शलवार भी बेस कलर की, आपका दुपट्टा भी इसी कलर का है, तो आपको बैग भी बेस कलर का ही लेना होगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे बैग भी इसी कलर का लिया है, सेम एज इट इज़ दराज से मैंने मंगवाया था। ये मुझे इसकी जो कॉस्ट पड़ी थी 1200 रुपीज़ पड़ी थी, और इसकी डीसी आई गेस 150 थी, मतलब 1350 रुपीज़ में ये मुझे क्रॉस बॉडी बैग मिल गया था। ये देखें आई गेस इसकी मैंने वीडियो भी शेयर कर रखी है। अगर आप लोग ये नहीं ले सकते, तो फिर आपके पास एक और ओपिनियन है, ये आप ले सकते हैं, इस तरह का वाइट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वाइट की भी बहुत कंट्रास्ट हो रहा है। ये दोनों बैग्स बहुत अच्छे चलेंगे इसके साथ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें आप ये दोनों बैग्स ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप वो की अपनी मर्जी है, आप वाइट बैग लें या ये लें, बट ज़्यादा प्रेफरेंस मैं जो दूँगी बेस कलर के बैग के दूँगी, क्योंकि आपके पास एवरीथिंग आपके बेस कलर की है, तो इसलिए यही प्रेफरेंस दूँगी मैं आपको। होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर पसंद आई तो कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा।